अगर राहुल बोल रहे हैं बीजेपी आएगा तो आग लग जाएगी, तो वो आने के बाद कौन सा यहाँ पर ठंडा बारिश होने लगेगी, बर्फ गिरने लगेगी? सिंपल सी बात, ये अर्थ नहीं बनता है कि वो आएंगे तो ये करेगा, वो आएगा तो जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा, बस कहने का अर्थ यही बनता है और कुछ नहीं। बीजेपी आएगी आग लग जाएगी, वो सब क्या बोलेगा? राहुल गांधी के तो इस तो नहीं देखना है, अभी तो है मोदी जी आए और आवाज़ ममता जी, ये दोनों ही तो है। यहाँ पर कांग्रेस नहीं है ना, दिल्ली में है, दिल्ली में, यूपी में है, बंगाल में नहीं है। दिल्ली में भी नहीं? ओ अच्छा, तो अब तो बंगाल में भी नहीं है। कोरोना तो पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, अब उनका आने से जो फैलेगा कोई बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड में तो कोरोना है, प्रत्येक राज्य में भी है, अब सबको अपना नियम मान के चलना चाहिए बस। क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रजीत दास है। क्या होगा बंगाल में? बीजेपी आना है, जरूर आना है, आएगा ही, इसमें कोई सोचने का बात नहीं है। दीदी कहाँ जाएगी? दीदी पार्टी कहाँ जाएगा? अच्छा, दीदी धरने दे रही है? उपस्थित थकन मंच से दीदी धरना दे रही है? धरना तो देना ही है, जैसे भी कुश्ती को अटक के रखना होगा ना, कुश्ती चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी आएगी तो यहाँ आग लग जाएगी। राहुल गांधी बोलता है आग लग जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। क्या बोलेंगे राहुल गांधी? यहाँ कुछ है कांग्रेस? यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर कांग्रेस नहीं है ना, दिल्ली में है, दिल्ली में, यूपी में है, बंगाल में नहीं है। दिल्ली में भी नहीं? ओ अच्छा, तो अब तो बंगाल में भी नहीं है, तो कहाँ? एक मत तो मुर्शिदाबाद में अधीर बाबू है, तो कांग्रेस कहीं नहीं, अभी कहा दिखाई नहीं देता है। तो राहुल गांधी क्यों आ रहे बंगाल? आने वो तो प्रचार करेगा ही, और कुछ, सब कोई चाहता है आने के लिए। वो कह रहे हैं मीडिया वाले बिक गए हैं, शायद उसका सोचना है ऐसा। अच्छा, वो कह रहे हैं सिर्फ मोदी को दिखा रहे हैं, ये भी वही सोचता है। अच्छा, ममता भी वही सोचती है, और क्या बोलेगा, बोलिए। सोचने वाला को तो बहुत कुछ सोचना आता है ना। राहुल गांधी को अगर लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो वो मीडिया को गाली दे रहे हैं। मोती भ्रम होने से बहुत कुछ बहुत आदमी सब बोलता है, समझ गया ना। क्या नाम है आपका? सुपर्णा सिंह राय। अच्छा, क्या लग रहा है दीदी कहाँ जाएगी? क्या बोलेगा दीदी जाएगी कहाँ? दीदी नवान्ने जाएगी। अच्छा, जे काज करबे ताकेई आमरा भोट देबो, जे जे माने जे दल भालो काज करबे भालो देखाबे, जे सरकार भालो थाकबे ताकेई आमरा भोट देबो। अच्छा, दीदी ने काज नी किया बल? दीदी तो काज करछे, जे सरकार काज करबे ताकेई आमरा भोट देबो। जे सकल बंगाल में परिवर्तन होबे ना होबे, दीदी तो परिवर्तन करछे, इनी जदि परिवर्तन करे ना करबे, जे करबे ताकेई आमरा आमादेर मध्ये उपस्थित होते चलेछेन। कांग्रेस पार्टी है यहाँ बंगाल? पार्टी पार्टी बुझी ना, जे दल काज करबे ताके हम दे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी है? माननीय सुनील सिंह महाशय सबाई के वोट दिए, जे ভালো কাজ করবে তাকেই ভোট দেব। আর কিছু করার জন্য অনুষ্ঠান চাকরি চাই, চাকরি নেই বাজার বাংলা বাইরে যেতে হচ্ছে মানুষকে। अच्छा, राहुल गांधी बंगाल आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो यहाँ आग लग जाएगी। क्या नाम है सर? क्या लग रहा बंगाल में परिवर्तन होगा? परिवर्तन हो गए? परिवर्तन होगा, परिवर्तन। दीदी कहाँ जाएगी? अब जिसका परिवर्तन होगा होगा, सामने आएगा। और 2 तारीख को क्या होगा? 2 तारीख को, दो तारीख को समझ में आ जाएगा किसका परिवर्तन होगा किसका नहीं होगा। अच्छा, है आप क्या चाहते हैं? बार बार हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, दादा को देखें? देखेंगे जरूर। क्या है? मेरा नाम है सुबह कुंडू। क्या बोलेंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे। आपकी तो एज ही नहीं है। বিজেপি সরকার আসলে আমার সুবিধা হবে, যদি সে বাংলা স্কুল বলে যদি ইংলিশ ভার্সন করে তাহলে। পরিবর্তন হবে? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তো হতে পারে। আচ্ছা, দাদা কো দেখনে আয়ে? হ্যাঁ, যেটা। আচ্ছা, পরিবর্তন হবে না হবে? মনে হচ্ছে তো হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী আচ্ছা কাম কর রহে?
সেটা তো মনে হচ্ছে क्या नाम है आपका সন্ধ্যাপাল क्या होगा बंगाल में परिवर्तन हां हां परिवर्तन तो होगा परिवर्तन हां अच्छा परिवर्तन मेरा नाम छोटू हेला है क्या होगा बंगाल इस बार तो बंगाल में देखा जाए क्या हो सकता है इस बार तो चांसेस है प्रत्येक पार्टी तो अपने जोर शोर से करे हुए हैं अब या मोदी जीते या ममता अब उसके ऊपर आगे गौर किया जाएगा हम लोग के तो इधर से ध्यान दिया जा रहा है कि जो पार्टी अपने तरीका से चलेगी वही जीतेगी जिसका जोर होगा राहुल गांधी बंगाल में आ रहे हैं वो कह रहे हैं बीजेपी आएगी तो आग लग जाएगी देखिए कहने का अर्थ यह है कि अगर राहुल बोल रहे हैं बीजेपी आएगा तो आग लग जाएगी तो वो आने के बाद कौन सा यहाँ पर ठंडा बारिश होने लगेगी बर्फ गिरने लगेगी सिंपल सी बात ये अर्थ नहीं बनता है कि वो आएंगे तो ये करेगा वो आएगा तो जो जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा बस कहने का अर्थ यही बनता है और कुछ नहीं दीदी कहाँ जाएगी हाँ दीदी 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 का तो देखिए यहाँ पर हर कोई किसी ना कोई कोई अर्थ ना अर्थ बोल ही रहा है तो ये इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि दीदी कहाँ जाएगी दीदी हिंदुस्तान में है हिंदुस्तान में ही रहेगी लेकिन इलेक्शन के द्वारा वो कहाँ जाएगी ये कोई नहीं जानता बहुत सारे लोगों से जब हम पूछे दीदी कहाँ जाएगी तो लोग बोले बांग्लादेश हाँ ये देखिए हर कोई का कहने का अर्थ बहुत है कि कोई बांग्लादेश जा रहा है कोई पाकिस्तान जा रहा है कोई विदेश जा अरे देखने का नरेंद्र मोदी तो विदेश विदेश गए तो क्या वो वहीं रह गए तो ये अर्थ नहीं बनता कि वो इलेक्शन दे रही है तो हारेगी तो इसका मतलब वो बांग्लादेश चली जाएगी ऐसा बात तो नहीं हो रहा ना तो अपने हारना जितना ही हो तो सबकी लगी रहती है तो ऐसा थोड़ी है कि आगे भी कोई हारा है तो वो देश छोड़ के चला गया वो भी देश का नागरिक है हम लोग भी देश का नागरिक जो जैसे है बस वही से अच्छा राहुल गांधी बंगाल में आ रहे हैं क्या लग रहा कांग्रेस पार्टी है बंगाल देखिए पार्टी पॉलिसी का कुछ बात बोल करके हम लोग को तो ऐसा तो हम लोग को कुछ हम लोग को नहीं करना है क्योंकि हम लोग अगर कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे हम लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं या टीएमसी का कर रहे हैं सीपीएम का कर रहे हैं या फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब किसी ना किसी का करेगा लेकिन बस हम लोग का यही अर्थ है जो जैसा अपना कार्य करेंगे उसी तरह से हम लोग का सपोर्ट हम लोग का रहेगा बस यही बात है और कुछ नहीं क्या मैसेज देंगे बंगाल की जनता को बस बंगाल की जनता की यही है कि कोरोना तो है ही है कोरोना के द्वारा हर एक चीज़ की तरह समस्या है इलेक्शन भी हो रही है तो हम सोचेंगे कि इसको ध्यान रखते हुए हम लोग को देश के लिए कुछ अच्छा खबर आए और अच्छा हम लोग को विजेता मान के प्रधान कुछ अच्छा बने कि हम लोग को देश के लिए आगे उन्नति हो बस यही है कहने का अर्थ है मेरा हाँ जी सर क्या नाम है रंजीत क्या होगा बंगाल में परिवर्तन जस्ट उन्हें देखने के आए हैं हम लोग बहुत टीवी में देखे हैं अब रियल देखना चाहते हैं दादा को देखा नहीं आज तक आज तक तो टीवी में देखे हैं आज रियल देख लेंगे क्या लग रहा दादा तो बीजेपी में आ गए वो तो आ चुके हैं तो आप क्या कर रहे हैं अभी तो फिलहाल तो देख रहे हैं उनको तो देखने के लिए आए हैं वोटिंग है बहुत जल्दी यहाँ पे वोट होने वाला है कुछ दिनों में तो क्या लग रहा है परिवर्तन हो गए ना हो परिवर्तन तो मेरे बोलने से तो नहीं होगा अब जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही जब देखा जाएगा मेरे बोलने से सब कुछ नहीं होगा अच्छा राहुल गांधी आए हैं कल प्रचार करने यहाँ ये तो पता नहीं राहुल गांधी आएगी अच्छा पता नहीं अभी ना ना अच्छा राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी बंगाल में आगी तो आग लग जाएगा ये तो पता नहीं है मुझे लगता नहीं ऐसा होगा आपको नहीं लगता आग लगेगी ना 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 तो राहुल गांधी क्यों डरा रहे हैं बेफालतू का कोई भी हो सकता है अच्छा कांग्रेस पार्टी है बंगाल में फिलहाल तो उतना पता नहीं अभी कांग्रेस कहीं नहीं ये पता नहीं है फोटो भी लग गया कांग्रेस का इधर पोस्टर फिलहाल तो मेरे नज़र में ये तो पड़ा नहीं है तो कांग्रेस इधर है ही नहीं मुझे लगा है कहीं कहीं है कहीं कहीं दिखाई दे रहा है हाँ हाँ पोस्टर भी कहीं कहीं हाँ 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 तो वोट कौन देगा फिर देगा आपको जिसका जो इच्छा बंगाल में राहुल गांधी बंगाल में कांग्रेस पार्टी का पत्ता नहीं है कुछ ये नहीं जाने सभी राज्य में कुछ ना कुछ है लेकिन सरकार बनाना सरकार अब कौन बनाएगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा वो कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं बंगाल में कोरोना फैला रहे कोरोना तो पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है अब उनका आने से जब फैलेगा कोई बात नहीं है पूरा वर्ल्ड में तो कोरोना है प्रत्येक राज्य में भी है अब सबको अपना नियम मान के चलना चाहिए बस हम भी बोलते हैं जो सबको अपना नियम मानना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना चाहिए क्या लग रहा है 2 मई को किसकी सरकार बन सकती है फिलहाल तो अभी मैं बोल नहीं सकता जो किसकी सरकार बनेगी अच्छा दीदी धरना दे रही है क्या लग रहा है कुछ होगा धरने से ये पता नहीं है ठीक है क्या नाम है सर पार्थ मुखर्जी
क्या होगा बंगाल में? बंगाल में हवा तो अब तो जानती है क्या हवा चलता है। आपने मास्क लगा रखा, वही हवा है। हवा तो चलता है जोड़ाफुल का हवा, बीजेपी का हवा, ये दोनों पार्टी। अब मानुष परिवर्तन, मानुष किसको वोट देंगे, व्यक्तिगत तो मानुष का व्यापार है, ठीक है, जनगण का व्यक्तिगत तो व्यापार है, किंतु हवा दोनों का ही चलता है 50-50, ठीक है, 50-50 चलता है, 50-50 चल रहा है। आपने तो मास्क बीजेपी का पहना है। हाँ हाँ हाँ, बीजेपी का पहना है। अभी तो हवा बीजेपी का खूब रमरमा चलता है, इसीलिए। अच्छा, राहुल गांधी बंगाल में आए, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कह रहे बीजेपी आएगी तो यहाँ आग लग जाएगी, बीजेपी आएगी आग लग जाएगी, वो सब क्या बोलेगा। राहुल गांधी के तो इस तो नहीं देखना है, अभी तो है मोदी जी आए और आवाज ममता जी, ये दोनों ही तो है। दीदी धरना दे रही है चुनाव आयोग के खिलाफ। हाँ, दीदी तो दीदी को अखुन क्या बोलेगा, अभी दीदी जब दीदी का जमाना अभी गया, दीदी का जमाना अभी है गए, अभी नतून जमाना आया, दादा का जमाना, दादा का जमाना आया। आपका ना क्या नाम है बोलेंगे, क्या नाम है? कृष्णा भट्टाचार्य। क्या होगा बंगाल में? जो भी होगा अच्छा होगा। परिवर्तन है? परिवर्तन होगा, हाँ होगा, होना चाहिए। मोदी जी सब भी अच्छा। मिथुन चक्रवर्ती महोदय घर लिए उपस्थित हुए छे। यहाँ पे देखिए आप, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं हैं और महिलाएं परिवर्तन चाहती हैं, और परिवर्तन इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के शासन में महिलाओं पर जो अत्याचार बंगाल में हो रहा है, उस वजह से ये परिवर्तन के लिए यहाँ पे सारी महिलाएं हैं, पुरुष कम दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है।